बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। बेटा आज आप लोगों को पेज नंबर 48 पे अब्बासिड्स के बारे में आप लोगों को बताने जाऊंगी। इसमें देखें आप, इन द 18th सेंचुरी, यानी इस चैप्टर में आप लोगों ने 6 से लेकर 15 सेंचुरीज तक जो है वो सारा देखना है कि मुसलमानों ने कौन कौन से इलाकों को जो है वो फतह किया था। 8वीं सेंचुरी की बात करेंगे, 8th सेंचुरी की, उसमें अब्बासियों का दौर जो है वो आया था। अब्बासिड्स फाउंडेड द सिटी ऑफ बगदाद, उन्होंने बगदाद को क्या करवाया था, एक शहर को आबाद किया था, टिग्रिस इन इराक में, एंड दिस बिकेम देयर कैपिटल, और बाद में उसी बगदाद को उन्होंने कैपिटल का नाम दे दिया था। बगदाद गेन फेम एज द मोस्ट डिवेलप्ड एंड कल्चर सिटी इन द वर्ल्ड। बगदाद जो था उस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और एक तहजीब याफ्ता और सकाफती एतबार से बहुत ज़्यादा शोहरत याफ्ता सिटी था, शहर था, पूरी दुनिया में माना जाता था। एट द टाइम रिवाइवल ओनली बाय द कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, उस वक्त जो भी बातें थी वो सारी की सारी कॉन्स्टेंटिनोपोल में थी। टू ऑफ द मोस्ट फेमस, उस वक्त जो दो मशहूर हुक्मरान थे, एक हारून उल रशीद और उनके बेटे मामून थे। इन इस्लामिक हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, द अब्बासिड पीरियड इज़ नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर। अब्बासियों का जो दौर था वो दौलत और कल्चर के लिहाज से बहुत ज़्यादा शोहरत रखता था। लर्निंग, अच्छा उसकी वजह क्या थी, वहाँ पर जो लर्निंग थी यानी एजुकेशन थी और लोगों की जो बाकी बातें थी वो सब बहुत ज़्यादा रिलाय करती थी। इन ऑल फील्ड्स वर इनकरेज, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी उस दौर में तालीम पर, सीखने पर बहुत ज़्यादा। ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स वर ट्रांसलेटेड इन मेडिकल स्कूल्स वर एंड मेडिकल स्कूल्स वर सेटअप। ग्रीकी और लातीनी जो काम था वो ट्रांसलेट किया गया, और इसके अलावा मेडिकल स्कूल्स जो है वो बनाए गए। मामून इस्टेब्लिश द बैतुल हिक्मा, मामून ने एक बैतुल हिक्मा जो है वो बनाया, एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर, जिसे हम हाउस ऑफ विजडम, बगदाद में एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल लोग आकर बैठते थे और ये सारे के सारे बुक्स के ऊपर काम करते थे, और ट्रांसलेट जो है वो ट्रांसलेशन हुआ करती थी लातीनी और ग्रीकी बुक्स की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अरब्स वॉज इन द फील्ड ऑफ मैथ्स। अरब का जो था बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है मैथ्स में, लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैथमेटिक्स, जो कि आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में उसकी बुनियाद बन रहा है। द अदर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वॉज द टॉलरेंस शोन द फॉलोअर्स ऑफ द फेथ, ठीक है, इसके अलावा उनके जो भी फेथ थे वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ हैं। नॉलेज एंड लर्निंग वर गिवन मोर वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दैन डिफरेंसेस, ठीक है, वो लोग लड़ाई झगड़ों के अलावा जो है वो नॉलेज पर काम करते थे, लर्निंग पर काम करते थे। इसके बाद है द अब्बासिड डायनेस्टी केम टू एन एंड, ये इनकी जो अब्बासियों की डायनेस्टी थी वो ख़त्म हुई विद फॉल ऑफ बगदाद, जब बगदाद जो है वो वहाँ से ख़त्म हुआ इन 1258 एट द हैंड्स ऑफ द मंगोल, जब वहाँ पर मंगोल आए, वर्ल्ड लॉर्ड हलाकू खान, उसमें जो वो है हलाकू खान बहुत मशहूर हैं। फ्रॉम द 8th to 19th सेंचुरी द पावर टुर्क्स ऑल्सो बिगेन टू राइज, उसके अलावा तुर्कियों की जो है हुकूमत शुरू हो गई अगेंस्ट द अरब में, ठीक है। द गजनवी हैड देयर किंगडम इन प्रेजेंट डे, जिसे अफगानिस्तान कहा जाता है, अफगानिस्तान में जो है वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम होगी, और वो वजह बनी अब्बासिड्स की तबाही की कह लो। वाइल द सलजुक तुर्क्स ऑक्यूपाइड ईरान एंड तुर्की, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, ईरान और तुर्की पर जो है अपना अपना जो है कदम जमाए। तो इंडिपेंडेंट दीज स्टेट्स वर बाउंडेड बाय देयर कॉमन फेथ इस्लाम एंड डिस्टिंक्ट कल्चर, हालांकि इनका जो फेथ था वो इस्लाम पर था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने आकर जो है वो अब्बासी रूल को जो है वो ख़त्म किया और उस पर काम किया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इसके लिए आप मज़ीद इसको अच्छे तरीके से रीड करें, रीड करने के बाद जो भी आपको काम आया है उस पर आप लोगों ने वर्कशीट्स वगैरह देखनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।